हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है हम फिल्म डेट टॉपिक शुरू करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। डायमेंशन ज्योमेट्री, डायमेंशन ज्योमेट्री के हाइपरबोला को कंटिन्यू करते हैं। फिर जैसे टेंजेंट टू ए हाइपरबोला, दैट टेंजेंट टू ए हाइपरबोला क्या है? टेंजेंट टू आ हाइपर बोला टेंजेंट टू ए हाइपर बोला टेंजेंट टू ए हाइपर बोला ये क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये इक्वेशन हो और एक लाइन की इक्वेशन है। ये तो हाइपरबोला की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। इक्वेशन ऑफ लाइन कितना है? वाई एम एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। मान लीजिए डाइन है, ये कोई हाइपरबोला है, ये कोई लाइन है। इफ द लाइन मीट्स टू पॉइंट, इफ द लाइन मीट्स क्या, इफ द लाइन मीट टू पॉइंट, इफ द लाइन मीट्स, इफ द लाइन मीट्स द हाइपरबोला इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इन टू डिस्टिंग पॉइंट इफ द लाइन मीट हाइपरबोला इन टू डिस्टिंग पॉइंट देन रूट आर ये, देन ये रूट आर ये, देन तो डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू डी इज ग्रेटर देन जीरो एंड सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इफ मीट्स हाइपरबोला एट अ पॉइंट, इफ इफ मीट्स हाइपरबोला एट अ पॉइंट देन D इक्वल टू जीरो, इट मीन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इफ लाइन डज नॉट मीट, इफ लाइन डज नॉट मीट एट एनी पॉइंट देन डी लेस देन जीरो, इट मीन्स सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के। इस तरह इलेक्शन में पढ़ा था, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है। इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये लाइन जो है अगर दो, ये लाइन ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। दो दो उसको कहते हैं डी इक्वल टू जीरो, रूट कैसे होंगे, रूट कैसे होंगे, रूट थ्री है, क्या होंगे रूट कैसे होंगे, इससे रूट आर कैसे होंगे, रूट सिक्स कैसे होंगे रियल, डी इक्वल टू जीरो वैन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो है तो एफ कैसे रूट होंगे, इसमें टू इक्वल टू जीरो,
टू इक्वल रूट होंगे। इफ बी लेस देन जीरो देन सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर बी देन विल वी हैव द इमेजिनरी वी वी हैव द इफ ये आ गया ये हाइपरबोला है इसको इलेवन टेस्ट कर रहा है तो रियल रूट होंगे डी इज ग्रेटर देन जीरो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ये कंडीशन आ गई। इफ रूट आर इक्वल होंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी इफ रूट आर इमेजिनरी होंगे सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई तो मान लिया क्या है देखो भाई मुझे थ्री नाइन को भाई फॉर्म दूंगा ठीक है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और टू हाइपरबोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला हाइपरबोला हैविंग इक्वेशन ओवर टेंजेंट हाइपरबोला हैविंग गिवन स्लोप गिविंग स्लोप दे रखा है इक्वेशन ओवर टेंजेंट लेट एक हाइपरबोला है लेट अगर मान लिया कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन की है और ये हाइपरबोला था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन ये हाइपरबोला की इक्वेशन है अगर मान लिया अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट कर तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या था अभी पढ़ा था ए पीछे पड़ गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये पढ़ा था तो इक्वेशन क्या हो जाती है इक्वेशन हो जाती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी क्या ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस अब m की वैल्यू क्या आती है m बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू b अपॉन a यूनियन b अपॉन a टू इनफिनिटी एम बिलोंग्स टू माइनस बी अपोन ए एम बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू बी अपोन ए यूनियन बी अपोन ए इनफिनिटी ये इसकी लाइन की इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हैविंग गिवन स्लोप अगर स्लोप दे रखा है अच्छा मान लिया ये जो है देखो एक तो ये है ये है ये है, ये होंगे हाइपरबोला ये एक तो टेंजेंट ये होगी एक ही होगी
सिमिलरली एक ही होगा सिर्फ, ये इस तरह की है, इस तरह की होंगी ये। मान ले अगर यहाँ मान ले ये आ जाती, ये आ जाती तो इससे आ जाती। देर आर हैविंग टू टेंजेंट, देर आर हैविंग टू पैरेलल टेंजेंट, अगर मान लिया ये इक्वेशन है, एक मान ले इक्वेशन है, एक मान ले इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी। अगर इसे टच कर रहा है, इसे यहां पर टच कर रहा है लाइन को, माइनस ए स्क्वायर एम माइनस ए एम स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, इस पे टच कर रहा है, माइनस ए एम स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। तो इसकी क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ जाएगा, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ जाएगा, माइनस ए एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर अपॉन ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स ई आर। अब अगर मान लिया अगर मान लिया टेंजेंट जो होती वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये टेंजेंट जो होती है तो इसके लिए क्या जाता है, ए स्क्वायर एम, यहाँ क्या जाता ए स्क्वायर एम अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ एक को यहाँ भी एक माइनस आएगा, क्या आएगा ये ए स्क्वायर एम अपॉन देखो अगर क्या है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, सी की वैल्यू क्या है वाई इक्वल टू इस पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अगर वाई इक्वल टू का टेंजेंट ये है वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों में क्या आएंगे प्लस क्या आएंगे माइनस है, प्लस है तो माइनस के याद करने का तरीका ठीक क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा, ए माइनस ए एम स्क्वायर ए एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए एम स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्वेश्चन लगाते हैं, इफ द क्या क्वेश्चन है, इफ इफ आ पॉसिबल
इफ अपॉसिबल टू ग्रेट टेंजेंट टेंजेंट इफ अपॉसिबल टू ग्रेट टेंजेंट टू द हाइपरबोला तो हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन हैविंग स्लोप टू फाइंड इट्स रेंज ऑफ इसकी रेंज इसकी इंटेंस की रेंज वाली गिवन है हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। इसकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई इफ इफ स्लोप एम इफ स्लोप इफ एम स्लोप इज एम देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एम की वैल्यू कितनी दे रखी स्लोप कितना है इसका टू एम इक्वल टू टू गिवन है एम इक्वल टू टू इसकी वैल्यू रख देंगे क्या जाएगा वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अगर मान लिया ये रियल है क्या है अगर ये रियल है फोर रियल वैल्यू फोर रियल फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इट मीन्स फोर ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फोर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर तो क्या फोर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इसका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर इट मीन्स इनकी बी स्क्वायर अपॉन इट मीन्स बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर ये आ गया बी स्क्वायर पॉइंट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन फोर ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन क्या आ गया फाइव ई की वैल्यू क्या आ गई रूट फाइव E की वैल्यू क्या आई रूट फाइव हेंस E विल बी टू द वन E टू रूट सेवन E की वैल्यू कितनी आएगी वन टू रूट फाइव वन टू टू फाइव
नहीं यहाँ पे ई की वैल्यू प्लस माइनस रूट फाइव आ जाएगी, यानी ई की वैल्यू वन से माइनस तो हो नहीं सकती, तो वन से बड़े तो वन टू फाइव होती है, वन टू रूट फाइव होती है। ये दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखा, स्लोप दे रखा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली गई है, वैल्यू एक ई की वैल्यू रूट फाइव, वन इक्वल टू ई रूट टू फाइव, दैट इज सोल्व, यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक अब आगे बढ़ते हैं भैया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोलास इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू हाइपरबोला एट ए पॉइंट इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू हाइपरबोला एट ए पॉइंट ऑन इट ऑन इट इसके ऊपर क्या आ जाती है। मान लिया एक है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई इक्वेशन है, और हाइपरबोला की क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और किस पे है, माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी, इस पॉइंट पे है, पॉइंट है ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर एम अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ वाई इक्वल टू एम एक्स इक्वल टू क्या आ जाती है, टी इक्वल टू वन, टी इक्वल टू मी टी इक्वल टू वन एट एक्स वन वाई वन एट एट एक्स वन वाई वन, इट मीन्स एक्स एक्स वन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, एंड वी हैव दैट एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वेट वेयर टी इक्वल टू जीरो, वेयर टी इक्वल टू क्या है, एक्स एक्स वन अपॉन ए का स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, अब है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए सेक थीटा बी टेन, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट उस पॉइंट पे निकालनी है ए सेक थीटा बी टेन थीटा, वी हैव क्या थी है एक्स एक्स वन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बी स्क्वायर, इट मीन्स हैव एट एक्स वन, इट मीन्स वी हैव ये एक्स एक्स वन यानी एक्स इंटू ए सेक थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई बी टेन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ए से स्क्वायर ए जाएगा क्या आएगा ए एक्स यानी एक्स sec theta upon a minus y
टेन थीटा अपॉन बी एक्स टैन थीटा अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी टेन थीटा इक्वल टू वन, इसका आंसर आएगा हमारे। हम गेट इक्वेशन हो गए, हम गेट इक्वेशन इक्वेशन ऑफ पेयर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट लेट द इक्वेशन इज लेट इक्वेशन एक हाइपरबोला इज वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन है। ये है माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक कोई पॉइंट पी है लेट पी पॉइंट इज नॉट लाइन ऑन इट लेट ई पॉइंट, और पी के कोऑर्डिनेट भी दे रखी है लेट पी ये पी लेट ये कोई पी ये हाइपरबोला इक्वेशन लेट पी कोई पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, ये कोई जो है इस पर जो है लाइन नहीं करता यानी इसके आउटसाइड है क्या इसके आउटसाइड पॉइंट है, देन वी हैव द इक्वेशन ऑफ द टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन या एस एस डैश, इट मीन्स वी हैव द टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस डैश, इट मीन्स टी मीन्स एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी का स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू एस, एस का मीन्स एस मीन्स वन स्क्वायर चाहे डैश मिले एक वन, एफ मीन्स इट इज सेम इन एंड एफ डैश मीन्स एफ वन मीन्स ये इसका आंसर है क्या आएगा इसका ये आंसर है। फोर है हाइपरबोला फोर है फोर है हाइपरबो फोर है हाइपरबोला फोर है हाइपरबोला देयर आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द
पॉइंट विच नॉट लेट ओन इट फ्रॉम द, ये कहते फ्रॉम द आउट साइड देर आर टू टेंजेंट विद ग्राउंड, देन इक्वेशन इज टी स्क्वायर, तो टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन, टी स्क्वायर मीन एक्स एस वन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बी स्क्वायर इक्वल टू एस एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वन एक्स वन का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वन के इक्वल हो। आगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर माइनस नाउ फॉर द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट थ्री फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फ्रॉम द पॉइंट थ्री टू That the equation is have x square minus 9 y square is equal to 9. 9 से डिवाइड कर देंगे इसको, दोनों तरफ क्या आ जाएगा, x square upon 9 minus y square upon 1 is equal to 9. ये आ गया। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आती है, y is equal to mx plus a square m square minus k इट मीन्स वी हैव अब जो है इसको किस पॉइंट से होगी जा रही है फ्रॉम द पॉइंट थ्री टू, एक्स की जगह थ्री लिख लेंगे वाई की जगह टू लिख लेंगे, क्या आएगा स्क्वायर इक्वल टू टू थ्री एम प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर का नाइन एम स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ये क्या आ गया फोर माइनस थ्री एम टू माइनस थ्री एम इक्वल टू नाइन एम स्क्वायर माइनस वन, दोनों तरफ का स्क्वायरिंग है स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग कर दिया, क्या आ गया फोर प्लस नाइन एम का स्क्वायर माइनस 12m इक्वल टू 9m का स्क्वायर माइनस की इन 9 स्क्वायर से 9m स्क्वायर जा गया, क्या गया माइनस 8m माइनस 12m इक्वल टू माइनस फोर माइनस एम इक्वल टू फाइव अपॉन ट्वेल्व, एम की वैल्यू फाइव अपॉन ट्वेल्व आ गई और एम इक्वल टू क्या आ गया इन्फिनिटी, एम इक्वल टू क्या आ गया एम इक्वल टू इन्फिनिटी। जैसे एम की वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी आ जाएगी यहां से, यह क्या आ जाएगी एम इक्वल टू फाइव बाई ट्वेल्व, एम इक्वल टू
वन बाई टू आएगी ना यहाँ से, ठीक है, और इक्वेशन क्या जाएगी, वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या जाएगी, फाइव अपॉन ट्वेल्व एम एक्स, वाई इक्वल टू फाइव अपॉन ट्वेल्व वाई एम एक्स माइनस टी अपॉन प्लस थ्री, क्या जाएगा, वाई माइनस थ्री इक्वल टू वाई माइनस सी इक्वल टू फाइव बाई ट्वेल्व एक्स बाई टू माइनस थ्री, और गेट टेंजेंट्स टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी डी थ्रू द हाइपरबोला टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी डी टू द हाइपरबोला क्या मान वाई का फ्यूचर है, मेक एन एंगल अल्फा बीटा, मेक एन एंगल अल्फा बीटा विद द एक्स एक्सिस with the axis क्या क्वेश्चन है भैया, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी डी टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स का बोला है, मेक एन एंगल अल्फा बीटा, किस तरह के एंगल बना रहा है अल्फा बीटा, सच दैट टेन अल्फा विद द एक्स विद द एक्स विद द एक्स एक्स विद द एक्स एक्स विद द एक्स एक्स If tan alpha tan beta equal to 1, then find p value निकालनी है p square minus d square equal to 1,
इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी भाई? देखो गिवन है, क्या गिवन है? देखो मान लो स्लोप एम है और हाइपरबोलाइक कोफिशिएंट क्या होती है, टेन या वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर, या प्लस ही लिखो, प्लस किया ए स्क्वायर एक्स के साथ गुणा रहा है, ये वेयर एम इज द स्लोप एंड इट्स पास टू द सी डी, इट्स पास टू द सी डी। लेकिन इफ पास टू द सी डी वी हैव बी इज इक्वल टू पी एम प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एम माइनस के बी स्क्वायर। बी माइनस सी एम इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिया जाएगा, दोनों तो उसका स्क्वायर बन गया, ये खोल लिया ऐसे, इसे एम स्क्वायर को ले लिया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू एम सी माइनस टू सी डी एम माइनस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट एम वन एम टू क्या जाएगा यहाँ से, मान लो दो रूट होंगे कि एम वन एम टू होंगे, क्वाड्रेटिक है तो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। और इसके रूट कितने हैं ये रखे हैं, इफ टेन अल्फा बीटा, इफ टेन अल्फा बीटा ये क्या है, टेन अल्फा टेन बीटा ये एंगल बना रही स्लोप हो गए तो डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है वन। डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू डी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर से होगी। तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर निकालना, सोई क्या निकालना, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। माइनस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर आ जाएंगे।
ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्या डायरेक्टर ऑफ हाइपरबोल है? क्या डायरेक्टर ऑफ है? डायरेक्टर ऑफ सर्किट है। डायरेक्टर ऑफ सर्किट लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर टेंजेंट इस सर्किट विच इज कार्ड डायरेक्टर ऑफ सर्किल। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट इस सर्किल विच टेंजेंट इस सर्किल विच इज कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ सर्किल। जैसे इलिप्स में था ये वही था बिल्कुल। अगर मान लिया ये अगर मान लिया कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। मान लिया क्या है इक्वल टू माइनस वन है। देन डायरेक्टर ऑफ सर्किल, देन डायरेक्टर ऑफ सर्किल कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर। क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। डायरेक्टर ऑफ द हाइपरबोल है, क्या करेंगे डायरेक्टर ऑफ हाइपरबोल है, क्या करेंगे डायरेक्टर ऑफ हाइपरबोल ये कह रहे हो डायरेक्टर ऑफ हाइपरबोल। इफ अगर इक्वेशन क्या हो, अगर मान ले इक्वेशन ही हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन हो, देन डायरेक्टर ऑफ देन डायरेक्टर ऑफ हाइपरबोला क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वी इज ग्रेटर देन। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू है तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो डायरेक्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वेयर बी इज ग्रेटर देन ए। सही।
अब क्या एडम टोट और से हाइपरबोल क्या है? एडम टोट ऑफ हाइपरबोला, ऑफ हाइपरबोला टेंजेंट एट इंफिनिटी, टेंजेंट एट टेंजेंट एट इनफिनिटी, एडम टेट ऑफ हाइपरबोला टेंजेंट एट इनफिनिटी, इसका निकालना है क्या है पहले? एडम टोट होता क्या है? एडम टोट नथिंग, एडम टोट की ये लाइन दैट ए कर्व, एडम टोट की ये लाइन दैट ए कर्व अप्रोच इट्स हेड एज एज इट्स हेड अप्रोच टू इनफिनिटी, यानी एडम टोट इज ए लाइन दैट कर्व अप्रोच एट इज हेड एज इट्स हेड टुवर्ड्स इनफिनिटी, टुवर्ड्स एज इट्स हेड towards infinity. इनी एडम टोट इधर एक लाइन है जो जिसका जो है वो लाइन जो है वहां से कन्वर्ट हो रही है इंफिनिटी की तरफ हो रही है, जैसे फिर मान लिया कोई इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है? हाइपरबोला की इक्वेशन है ये, एक्स स्क्वायर मान ली है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कोई लाइन है और ये को एडम टोट ऑफ हाइपरबोला हो गया, एडम टोट ऑफ हाइपरबोला एडम एडम टोट ऑफ हाइपरबोला कितने है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू के हो, क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के हो? इक्वेशन तो इफ एडम टोट की लाइन इक्वेशन, इक्वेशन बिकम्स इक्वेशन कितनी आ जाएगी इसकी? वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी माइनस ए अपॉन एफ, वाई इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एफ, इट मीन वी कैन से बी एक्स इट इंप्लाइज दैट बी एक्स प्लस माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो, वी कैन से बी एक्स प्लस माइनस ए वाई टू जीरो, दीज आर द इक्वेशन ऑफ द
एज एम टोट ऑफ ए हाइपरबोला, बी एक्स प्लस ए माइनस वाई इक्वल टू जीरो, बी एक्स प्लस माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो, विच आर द इक्वेशन ऑफ द एजम टोट ऑफ हाइपरबोला, विच थ्रो द पास ऑफ द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, विच पास टू द पास टू द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, विच इज पास टू द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, ये होगा इसका कंबाइन इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई, कंबाइन इक्वेशन ऑफ एटम टोट, उसकी अगर इसकी कंबाइन इक्वेशन लिखनी हो भाई मुझे, देखो यहां से क्या आ जाएगा, ये एक तो जाएगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी माइनस वन, यह है एक्स अपॉन ए क्या जाएगी, एक तो आएगी सी ओ एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी अपॉन वन, एक क्या जाएगी एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ये, एक याद है एक्स अपॉन ए अपॉन बी इक्वल टू वन, एक एक्स अपॉन ए इधर आ जाएगा एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी, एक आ जाएगी एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, तो क्या आएगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी क्या आएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, क्या एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू जीरो, इन दोनों की प्रोडक्ट कर लूंगा ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये क्या आ गया एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वन रहेगी, ठीक है भाई आगे बढ़े, अच्छा अगर मान लिया ये स्लोप है ये था ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, इसके लिए स्लोप कहां से कहां तक था, इसके लिए स्लोप था इसके लिए वैल्यू कहां से माइनस इनफिनिटी टू बी अपॉन ए यूनियन बी अपॉन ए टू इनफिनिटी, ये वैल्यू थी इसकी, और इसकी वैल्यू क्या थी और स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट ये क्या था, स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट क्या था प्लस माइनस बी अपॉन ए, क्या आ जाएगा यहां से स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट क्या आएगा स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट इज इक्वल टू बी अपॉन ए, स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट इज इक्वल टू बी अपॉन ए, और ज्यादा लिख रहा प्लस माइनस बी अपॉन ए लिख रहा, स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट इज बी प्लस माइनस बी अपॉन ए, और m की वैल्यू यहां से यहां तक होती है, m की वैल्यू कहां से आती है, m की वैल्यू बिलोंग्स टू a, माइनस इंफिनिटी बी अपॉन ए बड़ा बड़ा की टाइम माइनस माइनस इंफिनिटी बी अपॉन ए इंफिनिटी, क्या एसिम्प्टोट क्या है, एसिम्प्टोट इज नथिंग इज ए लाइन दैट एक कर्व अप्रोच टू इट हेड टूवर्ड्स इंफिनिटी, इंफिनिटी की तरफ कन्वर्ज हो रहा हो, अगर मान लिया हाइपरबोला है जो कि लाइन है तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाती है y इक्वल टू बी प्लस माइनस ए या b प्लस एक्स इक्वल टू ए माइनस वाई, ठीक है कंबाइन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसका स्लोप ऑफ द एसिम्प्टोट आ जाएगी, और जो m की वैल्यू जो है कहां से कहां लाई करती है माइनस इन्फिनिटी टू बी अपॉन ए यूनियन बी अपॉन ए टू इन्फिनिटी, ठीक है
अच्छा ये स्लोप है ही है, मैंने बता दिया था ये एक प्लस का है एक माइनस। अब मैं इसके एंगल निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ मैं, क्या निकालता हूँ एंगल, क्या निकालना है एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ एडम टॉट, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ एडम टॉट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडम टॉट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडम टॉट। अब मान लिया कोई हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, और इनके बीच एक्यूट एंगल है, बिटवीन देम एक्यूट एंगल है, मान लिया लाइन कर रहा है इनके बीच थीटा, इसके बीच जो एंगल क्या कर रहा है थीटा लाइट कर रहा है, इसके बीच एंगल, तो इसके जो स्लोप है, स्लोप बताया था अभी मैंने, प्लस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, तो इसके स्लोप के बीच एंगल क्या रहेगा, टेन थीटा इक्वल टू टेन एम वन माइनस एम टू टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए माइनस माइनस बी अपॉन ए अपॉन वन प्लस एम वन एम टू वन प्लस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, ये आ जाएगा। इक्वल टू टू बी अपॉन ए, बी अपॉन ए टू बी अपॉन ए अपॉन वन माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इट मीन्स इक्वल टू टू ए बी, ऊपर आ गए टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये टेन थीटा इक्वल टू टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब इसको क्या करा मैंने, इसको क्या करा, बी अपॉन ए ए स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लूंगा, यहां से क्या आ गया टू ए बी इक्वल टू क्या आ गया टेन थीटा इक्वल टू टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए बी, इधर से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस ए से ए जाएगा क्या आ गया टू बी अपॉन ए अपॉन वन माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, लेट बी अपॉन ए इक्वल टू टेन थीटा, लेट बी अपॉन ए इक्वल टू टेन थीटा बाई टू, लेट बी अपॉन ए इक्वल टू टेन थीटा बाई टू, वी दैट हैव टू टेन थीटा बाई टू टू टेन थीटा बाई टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल टू इक्वल टू टेन थीटा बाई टू, बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आएगी टेन थीटा बाई टू, स्लोप टेन थीटा बाई टू इक्वल टू वन माइनस क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई टू स्लोप है, इट मीन तो स्लोप ही रखा है, तो टेन थीटा बाई टू है इसका आधा, एक्यूट एंगल बी अपॉन ए इक्वल टू थीटा बाई टू, तो क्या आ जाएगा टेन थीटा बाई टू, क्या आ जाएगा टेन थीटा बाई टू यानी टेन थीटा बाई टू इक्वल टू बी अपॉन ए, टेन थीटा बाई टू इक्वल टू बी अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन ए की वैल्यू क्या होती है हाइपरबोला फोर ई स्क्वायर माइनस के वन, टेन थीटा बाई टू की वैल्यू क्या आई बी अपॉन ए इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस वन, इसका क्या आ गया टेन थीटा बाई टू
इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस वन, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया, टेन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस वन, तो क्या आ गया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू ई स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ई इज इक्वल टू sec थीटा बाई या प्लस माइनस ई इज इक्वल टू sec थीटा बाई टू, ई की वैल्यू क्या आ गई sec थीटा। प्रॉपर्टी एडमटोट, मान ली इसकी एडमटोट है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, ई इज इक्वल टू sec थीटा बाई, इसेंट्रिसिटी जाएगी ई इज इक्वल टू sec थीटा बाई बनेगी। अब है फोर फोर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फोर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट मीन फोर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फोर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फोर रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मीन फोर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मीन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगी। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रेक्टेंगुलर पाइपोला इज नथिंग वेयर ए इज इक्वल टू बी, ठीक है भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पहले बताया था, एडमटोट आर इक्वेशन ऑफ एडमटोट आर, इक्वेशन ऑफ एडमटोट आर, इक्वेशन ऑफ एडमटोट आर y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ये होगा y इक्वल टू विच आर परपेंडिकुलर, विच आर परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ द, एक दूसरा क्या है, ये दूसरे पॉइंट का द तीसरा क्या है, द लेंथ ऑफ एनी टेंजेंट, द लेंथ ऑफ एनी टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द इंटरसेप्टेड बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द एनी टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एडमटोट इज बाइसेक्टेड बिटवीन द एडमटोट is bisected at the point of the contact, at the point of contact, at the point of, means the length of any tangent intercepted between the asymptotes bisected at the point of, bisected at the point of contact, bisected by the point of contact, जिस पॉइंट को बाइसेक्ट करते हैं उसे क्या है, बाइसेक्टेड होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विच इज फॉर्म्ड बाई
टेंजेंट एंड एडम्प्टोर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विच इज फॉर्म्ड बाई टेंजेंट एंड एडम्प्टोर क्या है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विच इज फॉर्म्ड बाई द टेंजेंट एंड एडम्प्टोर ऑफ ए हाइपरबोला ऑफ ए फॉर्मूला इज, यानी कि एक जो ट्रेंगल है, जो ट्रेंगल जो बनी हुई है किससे, एडम्प्टोर से और टेंजेंट से बनी हुई है, जो इसका एरिया होगा वो जो है कॉन्स्टेंट होगा। लेट फॉर द हाइपरबोला इक्वेशन है, मान ले एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये कोई हाइपरबोला की इक्वेशन है। एरिया उसका एरिया होगा, एरिया कितना होगा उसका, एरिया होगा ए बी स्क्वायर एरिया कितना होगा, ए बी स्क्वायर यूनिट होगा। एरिया क्या होगा उसका, ए बी स्क्वायर यूनिट। ये क्या चेंज है, चार प्रॉपर्टियां थी, ये क्या है, चार प्रॉपर्टियां थी। तो अगर जो है एडम टोर के इक्वेशन का क्या होगा, ई ई इक्वल टू सेक एंगल ई इक्वल टू सेक थीटा बाई टू, रेक्टेंगुलर के लिए, रेक्टेंगुलर पैराबोला के लिए क्या होगा, वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स होगा, और द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इंटरसेक्टेड बिटवीन द एडम टोर और बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। ई चौथा क्या है, एरिया इज ट्राइंगल, एरिया इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज फॉर्म्ड बाई द एडम टोर एंड टेंजेंट, द एरिया विल बी कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका पैराबोला का, इसका हाइपरबोला का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो एरिया क्या होगा इसका, ए बी कॉन्स्टेंट, ए बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्म पे फिर इसको डिस्कस करेंगे, जो आईआईटी और जो एजेई में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन इस तरह के, उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कोई अगर कोई इंक्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट टर्न पे पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।